Dear students, in this lecture we'll discuss certs. Last lecture में हम लोगों ने laws of rational exponents पढ़े थे. यहाँ पर rational exponents से ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए we'll discuss certs. मैंने वहाँ पर भी बताया था कि a raised to the power 1 upon n को हम nth root of a की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो nth root of a वाला फॉर्मेट था, दिस इज सर्ड. तो सर्ड होता क्या है कि एन इरेशनल नंबर इन दिस फॉर्म, ये फॉर्म आप देखिए जिसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पर nth root of a लगा हुआ है. तो जब नंबर स्क्वायर रूट वाले सिंटेक्स के सिमिलर सिंटेक्स में दिखे, तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन क्या होगा, सर्ड. तो सर्ड के लिए बेसिक चीज़ क्या हुई कि इट मस्ट बी एन इरेशनल नंबर. अब सर्ड में आपको तीन चीज़ें दिख रही है, फर्स्ट वन इज़ ए, नेक्स्ट वन इज़ ये जो एन लिखा हुआ है बाउंड्री पे, और थर्ड वन इज़ दिस पर्टिकुलर साइन. तो जो ए है इसको बोलेंगे रेडिकेंट, ए इज़ कॉल्ड रेडिकेंट एंड इट मस्ट बी रैशनल. अगर ये रैशनल है इनर पोर्शन तो ही ये सर्ड होगा, अगर ये रैशनल नहीं है तो इट विल नॉट बी अ सर्ड. जो एन बाउंड्री पे लिखा हुआ है इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर और इंडेक्स ऑफ सर्ड. बहुत सी बुक्स में ये ऑर्डर लिखा होता है, बहुत सी बुक्स में ये इंडेक्स लिखा होता है. एंड नेक्स्ट वन दिस पर्टिकुलर साइन, ये जो साइन है जिसके अंदर ए लिखा हुआ है इट इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन. सो फाइनली अगर हम सर्ड फॉर्मेट देखें तो LHS जो है वो nth रूट ऑफ ए की सर्ड फॉर्म है, और RHS जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में nth रूट लिखा हुआ है. तो कहने का मतलब जो रूल्स हमने लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट के पढ़े थे, ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स विल बी एप्लीकेबल ऑन सर्ड्स. अब सबसे पहले देखते हैं कि सर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्ड्स, कुछ एग्जांपल्स या कुछ कैटेगरी के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा. जैसे फर्स्ट कैटेगरी में सेवन्थ रूट ऑफ एट, फिफ्थ रूट ऑफ फोर, नाउ दीज एक्सप्रेशंस वुड बी सर्ड. क्यों? क्योंकि इसमें हमको तीन चीज़ें देखनी है, एक रेडिकल साइन बिल्कुल है, इंडेक्स है बिल्कुल है, और जो इनर पार्ट है इट मस्ट बी रैशनल. तो यहाँ पर इनर पार्ट इज एट सो इट इज़ रैशनल, इधर फोर सो इट इज़ रैशनल, सो ओवरऑल दिस विल बी सर्ड. सेकेंड कैटेगरी टू प्लस रूट थ्री, थ्री प्लस रूट सेवन. तो यहाँ पर हमें एक फंडा याद रखना होगा कि अगर कभी रैशनल नंबर को हम सर्ड से ऐड करते हैं तो अगेन इट वुड बी अ सर्ड. तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो थ्री इज़ अ रैशनल नंबर एंड रूट सेवन इज़ अ सर्ड. अब इस सर्ड में आप ढंग से देखो, रेडिकेंट की वैल्यू इज़ सेवन विच इज़ रैशनल, और ऑर्डर अगर अपन देखें, इंडेक्स अपन देखें, तो ये स्क्वायर रूट है, मतलब इसका सेकेंड रूट है. तो ऑर्डर हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन जब नहीं दिखता है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज टू. ऑल राइट, थर्ड देखते हैं कि इज दिस एक्सप्रेशन इज़ अ सर्ड. तो वैसे तो आप देखते ही एक बार के लिए तो बोल दोगे सर ये सर्ड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सर्ड में आपने बताया सर जो इनर पार्ट होता है इट मस्ट बी रैशनल, लेकिन यहाँ पर जो इनर पार्ट है नाइन प्लस फोर रूट फाइव, ओवरऑल दिस इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ये सर्ड नहीं हुआ. लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, इट इज़ अ सर्ड. अब ये क्यों सर्ड है? तो आप देखें कभी कभार आपको रेडिकेंट पार्ट को सॉल्व भी करना पड़ सकता है. तो अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मैंने नाइन को लिखा फाइव प्लस फोर, और पीछे जो फोर रूट फाइव था उसको मैंने लिखा टू इंटू रूट फाइव इंटू टू. मतलब मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर हमने इस फर्स्ट वाली स्टेप से सेकंड वाली स्टेप को समझ लिया तब उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा. आप इसको सिंपली लिख सकते हैं टू प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर. आप इसको ओपन करके देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा फोर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा फाइव, और टू इंटू ए इंटू बी की जगह आ जाएगा टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट टू. तो जो इनर एक्सप्रेशन था नाइन प्लस फोर रूट फाइव, इट वॉज टू प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर. नाउ टू प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को न्यूट्रल करेगा, न्यूट्रल करेगा, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली टू प्लस रूट फाइव, एंड टू प्लस रूट फाइव इज वॉट अबव केस विच इज़ अ सर्ड. सो रूट ऑफ नाइन प्लस फोर रूट फाइव, हमें देखना पड़ेगा कि इनर पार्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो फिर हमें पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में सॉल्व करना है, और जो फाइनल नंबर आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन उस पर हम लोग सर्ड की डेफिनेशन को अप्लाई करके देखेंगे. फोर्थ कैटेगरी स्क्वायर रूट ऑफ टू होल रूट ऑफ थ्री, मतलब वी कैन से कि क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थ्री. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो एक एक्सपोनेंट के ऊपर दूसरा एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, या मैं बोलूँ कि सेकंड रूट ऑफ थर्ड का भी थर्ड रूट निकाला हुआ है. तो अगर आप इसको देखते ही चिल्लाओगे कि सर ये सर्ड नहीं है तो वो गलत हो जाएगा. आप बोलोगे क्यों, यहाँ पर जो रेडिकेंट है वो तो है स्क्वायर रूट ऑफ टू, तो
इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, बट अगेन आई विल रिपीट कि हम क्या करें, हम सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो एक्सपोनेंट फॉर्म इसका ये बनेगा 3^1/2^3/1/3। अब इसको अगर अपन एक पावर के ऊपर दूसरी पावर को सॉल्व करेंगे तो बोथ विल गेट प्रोडक्ट, तो 3^1/6। और 1/6 को अगर मैं रेडिकेंट फॉर्म में लिखता हूँ या रेडिकल फॉर्म में लिखता हूँ या सर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6√3। नाउ अब अगर आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करोगे तो आप इजीली बोल दोगे कि हाँ ये क्या होगा, सर्ड होगा, क्योंकि इसका जो रेडिकेंट पार्ट है वो रैशनल नंबर हो गया है। नेक्स्ट कैटेगरी इज 5√243। अब दिखने में तो ये सर्ड दिख रहा है क्योंकि इस पर रेडिकल साइन भी लगा हुआ है, इंडेक्स भी लगा हुआ है, और 243 जो है वो एक रैशनल नंबर भी है। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 243 जो है वो 3^5 है और उसके ऊपर पावर 1/5 है। तो जब इन दोनों पावर्स को सॉल्व करोगे यू विल गेट 3, और 3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, 3 इज अ रैशनल नंबर, जबकि सर्ड की बेसिक डेफिनेशन में क्या था कि सर्ड मस्ट बी इरेशनल। सो ये वाला सर्ड नहीं हुआ। नेक्स्ट इज √2+√3। अब यहाँ पर देखें इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं है तो आपने रेडिकेंट पार्ट देखा, रेडिकेंट पार्ट इज 2+√3 विच इज़ एन इरेशनल नंबर, और रेडिकेंट अगर इरेशनल हो गया तो ये सर्ड नहीं होगा। सो इट इज नॉट एन सर्ड, सॉरी इट इज एन सर्ड। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो आइडेंटिफिकेशन में हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को समझा, हमें इसको एक बार ढंग से सिंप्लीफाई करके देखना होगा। अगर सिंप्लीफाई हो जाता है तो फिर आपके लिए बहुत इजी होगा टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ सर्ड और नॉट। नेक्स्ट आर लॉज ऑफ सर्ड्स। लॉज ऑफ सर्ड्स बिल्कुल सिमिलर मैनर में चलेंगे जैसे अपने लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट थे, उसको मैं एक्सप्लेनेशन भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फर्स्ट रूल ने बोला कि nth रूट ऑफ a की होल पावर n वुड रिजल्ट अस a। कैसे हुआ तो देखें, nth रूट ऑफ a इज 1/n, a^1/n। तो nth रूट ऑफ a के ऊपर अगर पावर n लगाया तो ये a^1/n के ऊपर भी पावर n लग जाएगा। ये पावर दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके हमें a दे देगी। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट कि अगर nth रूट ऑफ a के ऊपर n पावर है तो इट विल बी a ओनली। सेकेंड रूल, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a इंटू b। बिल्कुल सेम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप समझें, रैशनल एक्सपोनेंट, इसको एक्सप्लेनेशन में समझाता हूँ। nth रूट ऑफ a इज a की पावर 1/n, nth रूट ऑफ b इज b की पावर 1/n। अगर हम इन दोनों को देखें तो बेस अलग अलग है, पावर सेम है तो बेस प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो ab होल रेस्ट टू पावर 1/n, और ab होल रेस्ट टू पावर 1/n इज nth रूट ऑफ ab। सो आई होप अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से आप इसको समझेंगे तो इट विल बी मोर इजियर। नेक्स्ट इज सिमिलर मैनर में कि nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b। जैसे अपन ने ऊपर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से सॉल्व किया वैसे हम इसको भी लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट की हेल्प से कर सकते हैं। फोर्थ, nth रूट ऑफ a होल रूट mth वुड बी, अच्छा इसको अगर अपन और सिंपली समझे तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a। मतलब हम रूट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं एंड इट इज़ ओवरऑल इक्वल टू mth रूट ऑफ a। इसको कैसे समझें तो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। जैसे ये था mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, तो मैंने क्या किया, mth रूट कैन बी रिटन एज 1/n, 1/m, और nth रूट को लिख सकते हैं 1/n। तो जब इनको मैंने लिखा तो मेरे पास रैशनल एक्सपोनेंट ऐसा बना। अब इस रैशनल एक्सपोनेंट में एक पावर के ऊपर दूसरी पावर है तो बोथ विल गेट प्रोडक्ट, तो दोनों को प्रोडक्ट कर दिया तो a रेस्ट की पावर 1/mn हो गया, और 1/mn को मैं क्या लिख सकता हूँ, mth रूट ऑफ a। सो आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। मतलब अगर हमारे पास एक रूट के ऊपर दूसरे रूट के ऊपर तीसरा रूट होता है तो उन सबको प्रोडक्ट करके हम सिंगल रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज कि nth रूट ऑफ a अगर कहीं लिखा हुआ है तो अगर मुझे इसके ऑर्डर को चेंज करना है इनटू p करके तो मुझे अंदर भी p पावर को इंक्रीज करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बोलते हैं ऑर्डर चेंजिंग रूल। और ये कहाँ यूज आता है, जब हम कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स पढ़ेंगे अभी आगे, वहाँ पर ऑर्डर चेंज करने के ये काम आएगा। तो इसने सिंपली क्या बोला कि अगर आपके पास nth रूट ऑफ a दे रखा है और अगर आपको इसके ऑर्डर को n into p में कन्वर्ट करना है तो जितना आपने पावर बाहर p बढ़ाया उतना ही आपको पावर p अंदर एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करना होगा। सो दीज आर लॉज ऑफ सर्ड्स। होल एंड सोल अगर आप इनको देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट की हेल्प से ही सॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ इसकी ड्रेस को चेंज किया है।
पहला रूल क्या बोला कि nth रूट ऑफ a की पावर n इज a, दूसरा रूट nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ab। यहाँ पर ये अंदर वाले रेडिकेंट पार्ट तभी प्रोडक्ट हो पाएंगे जबकि इनका ऑर्डर सेम हो। nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b इज nth रूट ऑफ a बाय b, ये भी तभी डिवाइड हो पाएंगे जब इनका ऑर्डर सेम हो। फोर्थ, अगर एक ऑर्डर के ऊपर दूसरा ऑर्डर लगा हुआ है, इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स है, तो आप उनको प्रोडक्ट करके एक सिंगल इंडेक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज कि अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करना है तो जितनी पावर से हमने बाहर मल्टीप्लाई करा उतनी ही रेडिकेंट के ऊपर पावर हमको इनर पोर्शन पे लगानी होगी। ऑल राइट, टाइप्स ऑफ सर्ट्स, ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ सर्ट्स का। कितने टाइप के होते हैं, तो क्वाड्रेटिक सर्ट की जब ऑर्डर टू होता है तो इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ट। ऑर्डर टू को हम जनरली रिप्रेजेंट टू लिख के नहीं करते हैं, सीधे ही स्क्वायर रूट लगाकर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट फाइव, रूट सेवनटीन आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट, मतलब क्वाड्रेटिक जिसमें ऑर्डर टू है। क्यूबिक, व्हेन ऑर्डर इज थ्री देन इट वुड बी क्यूबिक सर्ट। ऑर्डर थ्री कैसे, जैसे फाइव के ऊपर लगा हुआ है पावर वन बाई थ्री, तो ये जो ऑर्डर की वैल्यू है इसको हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर थ्री। तो जहाँ पर भी थ्री आपको एक्सपोनेंट दिख जाएगा या इंडेक्स दिख जाएगा या ऑर्डर दिख जाएगा वो होगा क्यूबिक सर्ट। ऐसे ही बाइक्वाड्रेटिक, व्हेन ऑर्डर इज फोर देन इट वुड बी बाइक्वाड्रेटिक, एग्जाम्पल लिखा हुआ है फोर्थ रूट ऑफ फाइव। प्योर सर्ट, प्योर सर्ट क्या होता है, द सर्ट हैविंग वन एज अ रैशनल फैक्टर इज कॉल्ड प्योर सर्ट। ऐसा सर्ट जिसमें रैशनल एक्सपोनेंट जो है या रैशनल फैक्टर जो है वो वन है, जैसे रूट टू। अब आप बोलेंगे सर ये रैशनल फैक्टर कहाँ दिख रहा है, तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि वन को आप किसी भी नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी समझ सकते हैं कि प्योर सर्ट क्या हुआ कि ऐसे सर्ट जिसमें नंबर्स जो हैं वो पूरे के पूरे ही रेडिकल साइन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, बाहर आपको कोई भी रैशनल नंबर नज़र नहीं आएगा। जैसे स्क्वायर रूट टू में जो भी है वो रेडिकल साइन के अंदर है, बाहर कोई रैशनल नंबर नहीं है। क्यूब रूट ऑफ थ्री में जो भी नंबर है वो अंदर ही है रैशनल नंबर, बाहर कोई नंबर नहीं है। अगर आप बोलोगे सर ये बाहर ही नंबर थ्री बैठा हुआ है, ये थ्री नंबर नहीं, ये इसका ऑर्डर है, जबकि हमने जो बोला है वो बोला है रैशनल फैक्टर। ऐसे ही रूट फिफ्टीन में बाहर कोई रैशनल फैक्टर मौजूद नहीं है, जो भी है वो पूरा का पूरा इनर पोर्शन में मौजूद है। मिक्सर्ड, मिक्सर्ड क्या बोलेगा, द सर्ड हैविंग रैशनल फैक्टर अदर देन यूनिटी इज कॉल्ड मिक्सर्ड। कहने का मतलब ऐसे सर्ट जिसमें बाहर भी रैशनल नंबर मौजूद होते हैं, मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं प्योर मतलब शुद्ध, शुद्ध मतलब जो भी है वो सब कुछ रेडिकल साइन के अंदर। मिक्स्ड मतलब अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब क्या हो गया कि जो भी है वो आधे अंदर है आधे बाहर है। जैसे टू रूट थ्री, अब टू रूट थ्री में रेडिकल साइन के अंदर थ्री है लेकिन बाहर भी मेरे पास इसका रैशनल फैक्टर है दैट इज़ टू। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑर्डर भी तो नहीं, ऑर्डर जो होता है वो रेडिकल जो साइन है उसके अंदर बना हुआ होता है, लेकिन ये जो टू है ये इंडिपेंडेंटली बाहर लिखा हुआ है। ऐसे ही एट इंटू क्यूब रूट ऑफ फाइव, अब यहाँ पर भी क्यूब रूट ऑफ फाइव जो है वो तो रेडिकल पार्ट अलग हो गया लेकिन हम इसका रैशनल फैक्टर देखें तो ये एट से ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आई होप प्योर एंड मिक्स्ड सर्ट्स आपको समझ में आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ढंग से समझिएगा। प्योर सर्ट मतलब जिसमें सारा ही रैशनल पार्ट इनसाइड द रेडिकल साइन होता है वो प्योर सर्ट होता है। मिक्स्ड सर्ट जिसमें जो रैशनल पार्ट होता है वो रेडिकल के बाहर भी होता है और रेडिकल में भी होता है, जिसमें रैशनल फैक्टर अदर देन वन होता है। मोनोमियल सर्ट जिसमें सिंगल टर्म सर्ट होता है, जैसे रूट टू, क्यूब रूट ऑफ थ्री, ये मोनोमियल सर्ट हो गया, एक ही एक्सप्रेशन इसमें दिखेगा। बाइनोमियल सर्ट जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स टू दिखती है, या तो वो सर्ट और सर्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर वो रैशनल नंबर और सर्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे टू प्लस रूट फाइव, रूट सेवन प्लस रूट एट, ये अलग अलग टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स आर टू इन बाइनोमियल सर्ट्स। ट्राइनोमियल सर्ट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो थ्री निकल के आ जाए, जैसे वन प्लस रूट फाइव प्लस रूट सेवन, यहाँ पर तीन डिसलाइक टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगी, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर थ्री, सो इट इज़ ट्राइनोमियल सर्ट। सो आई होप टाइप्स ऑफ सर्ट्स आपको समझ में आ गए, क्वाड्रेटिक जिसमें ऑर्डर टू, क्यूबिक जिसमें ऑर्डर थ्री, बाइक्वाड्रेटिक ऑर्डर हैविंग फोर, प्योर एंड मिक्स सर्ट, प्योर सर्ट जिसमें सब कुछ रेडिकल साइन के अंदर आता है, मिक्स सर्ट जिसमें कुछ नंबर रेडिकल साइन के अंदर होते हैं, कुछ फैक्टर रेडिकल साइन के बाहर होते हैं, मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म का कॉम्बिनेशन होता है, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हमें दिखती है। नाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एक्सप्रेस एज प्योर सर्ट्स,
ये पहले तो देखें, क्वेश्चन में हमको मिक्सर्ड दिया हुआ है। मिक्सर्ड कैसे दिया हुआ है कि टू बाहर है और रूट सेवन अंदर है, तो ये मिक्सर्ड है। इस मिक्सर्ड को हमको किस में चेंज करना है? प्योर सर्ड में। अगर मेरे को प्योर सर्ड में चेंज करना है तो प्योर सर्ड क्या बोलेगा कि ये जो टू बाहर है इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाओ, मतलब जो भी होगा वो रेडिकल साइन के अंदर होगा। अब टू स्क्वायर रूट के अंदर तभी आ सकता है जब टू को भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो टू कैन बी रिटन एज रूट फोर। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का ऑर्डर जो है वो सेम हो गया। अगर दोनों का ऑर्डर देखें तो वी हैव टू, तो ये दोनों सिंपली प्रोडक्ट हो सकते हैं। जब ये दोनों प्रोडक्ट होंगे तो 4 इंटू 7 वुड रिजल्ट अस 28। सो 2 रूट 7 इज रूट ऑफ 28। अब ये था पहले मिक्स्ड क्योंकि इसमें 2 बाहर आ रहा था और रूट 7 अंदर था। अब ये कन्वर्ट हो गया प्योर में क्योंकि इसमें जो भी अब नंबर दिख रहा है वो अंदर ही दिख रहा है, बाहर हमें कोई रैशनल फैक्टर नहीं दिख रहा है अदर देन 1। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 3 इंटू 4th रूट ऑफ 2। अब इसमें 3 बाहर है और 4th रूट ऑफ 2 में 2 अंदर की तरफ है, मतलब ये मिक्सिंग हो रही है, तो ये मिक्सर्ड है। इसको हमको चेंज करना है प्योर सर्ड में। प्योर सर्ड में तभी चेंज होगा जब ये 3 हटेगा, 3 तभी हटेगा जबकि इसका ऑर्डर जो है हम 4 बनाएंगे। अब मैंने बोला था आपको कि अगर ऑर्डर 4 बनाना है तो अगर आपने बाहर 4 अप्लाई किया तो अंदर आपको 4 पावर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो जब हमने ऑर्डर चेंजिंग रूल लगाया तो मैंने इस पे क्या करा, 3 पे 4th पावर को बाहर अप्लाई किया तो अंदर मेरे को 3 की पावर 4 लिखना पड़ा। जब आप इसको एक्सपोनेंट बना के वापस सॉल्व करोगे अगेन ये 3 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बेनिफिट हुआ इस टर्म से कि अब ये दोनों जो नंबर दिख रहे हैं आपको, इन दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। एक लिखा हुआ है 4th रूट ऑफ 3 रेस्ट बाय 4 और एक लिखा हुआ है 4th रूट ऑफ 2। अब ये सिंपली प्रोडक्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट होंगे तो इट विल बी 3 रेस्ट बाय 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4th रूट ऑफ 162। तो जो हमें मिक्स्ड सर्ट दे रखा था उसको हमने प्योर सर्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक बार चाहें आप तो वीडियो को यहाँ पर पोस्ट करके इसको पेन और पेपर पे लिख के देखें। अब जैसे हमने मिक्स से प्योर में कन्वर्ट करा, अब हम प्योर से मिक्स भी कन्वर्ट करके देखेंगे कि एक्सप्रेस हैज मिक्सर्ड, हमें मिक्सर्ड में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए जो भी नंबर दिख रहा है मेरे को रेडिकल साइन के अंदर ही दिख रहा है। अब इसको मेरे को अगर मिक्सर्ड में लिखना है तो मिक्सर्ड में तभी लिख पाऊंगा जब बाहर में कोई रैशनल नंबर लेके आऊंगा। बाहर रैशनल नंबर तभी आएगा जबकि उसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करे, तभी वो बाहर सिंप्लीफाई होकर आएगा। तो मैंने 120 को लिखा 15 इंटू 8। मैंने 15 इंटू 8 क्यों लिखा, क्योंकि 8 का क्यूब रूट वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू 2। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 8 को जब मैं क्यूब रूट से बाहर निकलूँगा तो वो 2 क्यूब निकल के 2 दे देगा और फाइनली जो हमारे पास प्योर सर्ड था रूट क्यूब रूट ऑफ 120 वो मिक्स सर्ड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 15। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 5th रूट ऑफ 729। अब 5th रूट ऑफ 729 में से तभी कोई नंबर बाहर निकल पाएगा जबकि वो 5th रूट को ईजिली सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर 729 को लिखा 243 इंटू 3 लिखा 3 रेस टू द पावर 5। अब 3 रेस टू द पावर 5 जो है वो 5th रूट से बाहर निकल के सीधा सीधा 3 बना देगा और अंदर जो ये सिंगल 3 बना हुआ है वो एज इट इज़ रह जाएगा। सो आई होप कन्वर्जन ऑफ प्योर सर्ड टू मिक्सर्ड एंड मिक्सर्ड टू प्योर सर्ड आपको समझ में आया। एक बार पोस्ट करके लिख के देखें। मूविंग ऑन कंपेरिजन ऑफ सर्ड्स, कि सर्ड्स को कैसे कंपेयर करते हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें एक चीज़ याद रखें, आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना पड़ेगा कि जो भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनका ऑर्डर सेम बनाना पड़ेगा। ऑर्डर सेम कैसे बनाते हैं, अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो उसको सेम बनाने के लिए हमको एलसीएम लेके बेस चेंजिंग रूल जो था अपना, जो ऑर्डर चेंजिंग रूल था उसको अप्लाई करना होगा। तो इसको समझने के लिए हमने क्या लिखा कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है एंड इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड एक्स इज़ अगेन अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1, देन एक्स रूट ऑफ ए वुड बी ग्रेटर देन एक्स रूट ऑफ बी। इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर ए बढ़ा है बी से तो अगर आपने दोनों तरफ एक्स रूट अप्लाई करा तो जिसका रेडिकेंट बड़ा था वो बड़ा होगा और जिसका रेडिकेंट छोटा था वो छोटा ही रहेगा। चलिए इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, जैसे अरेंज रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 3 एंड 4th रूट ऑफ 5 इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको अरेंज करने से क्या बेनिफिट हो गया कि ये कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स भी हो गया, इसमें अपने आप पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है और जब छोटा बड़ा दिख जाएगा तो हम असेंडिंग ऑर्डर भी इजीली अरेंज कर देंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको सबसे पहली स्टेप में देखना पड़ेगा कि क्या इनका ऑर्डर सेम है जिनको कंपेयर करना है, तो इन दिस क्वेश्चन आंसर वुड बी नो, नहीं है। तो इसको सेम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा कि जो तीनों इंडेक्स दे रखी है, तीनों ऑर्डर दे रखे हैं, इनको सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इंडेक्स क्या क्या दे रखी है अपने को, 1 2 1 3 और 1 4। तो 2 और 3 और 4 का एलसीएम अगर मुझे लेना है तो एलसीएम ऑफ 2 3 4 वुड बी 12। तो सबसे पहले क्या करा, एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 लिखा, दैट इज 12। अब हमारा अगला टास्क क्या होगा, अब हमारा अगला टास्क ये होगा कि इन तीनों का ऑर्डर हमें 12 में रिप्रेजेंट करना है क्योंकि
12 जो है तीनों नंबर्स के लिए कॉमन हो जाएगा। अब अगर 12 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर ऑर्डर नहीं दिख रहा है, मतलब इसका ऑर्डर 2 है। अगर मुझे बाहर 2 ऑर्डर को 12 बनाना है तो मैं इंटू 6 करूँगा। मैंने अभी समझाया था कि अगर मैंने बाहर इंटू 6 करा तो मुझे अंदर पावर 6 से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। सो फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या निकल के आया, 12th root of 64। आई होप पहला पार्ट इसका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट नंबर के लिए ऑर्डर था 3 को बदलना है 12 में, तो 3 को 12 में कैसे बदला जा सकता है, इंटू 4 करके। अगर मैंने बाहर इंटू 4 किया तो अंदर मुझे पावर 4 से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जैसे ही अंदर मैंने 4 से पावर इंक्रीज़ करी, आई गॉट 12th root of 81। सो क्यूब रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 12th root of 81। नेक्स्ट इज 4th root of 5। अब 4th root of 5 में मेरे को ऑर्डर बनाना है 12 का, 12 बनाने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा। इंटू 3 अगर बाहर किया तो अंदर मेरे को पावर 3 इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। सो इट इज़ 12th root of 125। तो हमने क्या किया, हमको जो अलग अलग ऑर्डर में नंबर्स मिल रखे थे, हमने LCM लेके LCM की हेल्प से इन तीनों नंबर्स के इक्विवेलेंट ऑर्डर्स बनाए। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखें, तीनों के जो नंबर्स हैं उनका ऑर्डर सेम है। जैसे ही ऑर्डर सेम हो जाता है, हमने ऊपर रूल पढ़ा था कि इफ़ ऑर्डर इज सेम तो जिसका रेडिकेंट बड़ा होगा वो बड़ा नंबर होगा, जिसका रेडिकेंट छोटा होगा वो छोटा नंबर होगा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा रेडिकेंट कौन सा है, 125, उससे छोटा 81, उससे छोटा 64। तो अगर मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा कि 12th root of 64, देन 12th root of 81, देन 12th root of 125। अब ऐसे तो आंसर छोड़ नहीं सकते हम असेंडिंग ऑर्डर में, तो 12th root of 64 क्या था, √2। 12th root of 81 क्या था, √3। 12th root of 125 क्या था, 4th root of 5। सो फाइनली हमने जो नंबर्स हमको गिवन थे उनको ऑर्डर सेम बना के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है इस सर्ट का कि कंपेयर कैसे करते हैं, मैं फिर एक बार समझाता हूँ। सबसे पहले आप LCM लेंगे, जो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स दे रखें, LCM हमको बता देगा कि हमको इसको किस कॉमन नंबर में कन्वर्ट करना है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे ऑर्डर था 2, तो अगर मेरे को 12 बनाना था तो मैंने 6 से बाहर भी मल्टीप्लाई किया और अंदर भी पावर 6 से इंक्रीज़ कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए बाहर मेरे को 3 ऑर्डर दिख रहा था तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 12 बनाने के लिए और अंदर 4 पावर इंक्रीज़ कर दिया। और उसके नेक्स्ट में 4 पावर मुझे बाहर दिख रही थी ऑर्डर में तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 12 बनाने के लिए और मैंने अंदर भी 3 पावर इंक्रीज़ कर दी, जिससे कि ये जो तीनों नंबर थे ये 12th रूट में एक्सप्रेस हो गए और इनके रेडिकेंट पार्ट को हमने कंपेयर करके छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने देखा सर्ट क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है जो कि इस फॉर्म में होता है, रेडिकल फॉर्म में होता है, जिसमें अंदर वाला जो पोर्शन है इसको रैशनल होना ज़रूरी है और जो बाहर n लिखा हुआ है वो होता है ऑर्डर ऑफ द सर्ट। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म से भी कंपेयर करके देखा कि रेडिकल पार्ट जो है रेडिकल साइन के साथ, उसको अगर मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो √a इज इक्वल्स टू a^1/n। सर्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया अलग अलग कैटेगरी में। तो हमें तो सिर्फ रैशनल पार्ट देखना है, इसका रेडिकेंट पार्ट देखना है कि वो रैशनल है या नहीं। हम उसको सिंप्लीफाई करके भी देखेंगे, जैसे थर्ड वाले केस में हमने सिंप्लीफाई करके समझा था, अगर एक रेडिकल के ऊपर दूसरा रेडिकल लगा हुआ है तो पहले उसको लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसको समझेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसके बाद हमने लॉज ऑफ सर्ट्स पढ़े। सर्ट्स में हमने अलग अलग जो लॉज थे उनका एक्सप्लेनेशन एक्सपोनेंट फॉर्म की हेल्प से सॉल्व किया। इसने क्या बोला कि √a है और उसके ऊपर n पावर है तो इट इज़ इक्वल टू a। √a इंटू √b इज √a इंटू b। √a डिवाइडेड बाई √b इज √a डिवाइडेड बाई b। √a इज इक्वल्स टू √a, इसको भी हमने एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, कि अगर √a है और अगर मुझे इसके ऑर्डर को चेंज करना है तो अगर मैंने n को p से मल्टीप्लाई किया तो अंदर मुझे उतनी पावर को इंक्रीज करना होगा। इसकी सबसे बड़ी हेल्प हमको कहाँ लगेगी, जब हमको ऑर्डर को चेंज करना है या मुझे सर्ट्स को कंपेयर करना है। नेक्स्ट हमने देखा था टाइप्स ऑफ सर्ट्स, क्वाड्रेटिक सर्ट जिसकी ऑर्डर 2 होता है, ऑर्डर 3 हो जाता है तो वो क्यूबिक सर्ट बन जाता है। व्हेन ऑर्डर इज 4 देन इट वुड बी बाई क्वाड्रेटिक सर्ट। प्योर सर्ट क्या होता है, एक ऐसा सर्ट जिसमें रैशनल फैक्टर जो है वो 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता है, उसको हम लोग प्योर सर्ट बोलते हैं। इसको हमने लॉजिकली ऐसे भी समझा था कि जो भी रैशनल पोर्शन होगा वो रेडिकल साइन के अंदर ही होगा, रेडिकल साइन के बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज़ मिक्सर्ड। मिक्सर्ड क्या था कि ऐसे सर्ट जिसमें हमको रैशनल फैक्टर अदर देन 1 मिलता है, जैसे यहाँ पर 2
पहले नंबर में रैशनल फैक्टर है, अगले एग्जांपल में एट इज़ द रैशनल फैक्टर। मोनोमियल सर्ट्स जिसमें सिंगल टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होती है, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होती है, प्योर से मिक्स्ड और मिक्स से प्योर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स समझा। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स में हमने क्या किया कि अगर हमारे ऑर्डर सेम है तो जिसका रेडिकेंट बड़ा है इट वुड बी ग्रेटर, और फिर उसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देखा, जिसमें हमने क्या किया कि अगर ऑर्डर डिफरेंट थे तो उन डिफरेंट ऑर्डर्स को हमने सेम ऑर्डर में कन्वर्ट किया बाई टेकिंग एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स, और फिर उसके बाद हमने इनके एक्सपोनेंट जो हैं या रेडिकेंट जो है उसको सेम बना के, सॉरी हमने रेडिकल साइन को या ऑर्डर को सेम बनाया और फिर रेडिकेंट को कंपेयर कर लिया। आई होप ये वाला जो पोर्शन है सर्ट्स वाला ये आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।